वेलकम टू टर्किश रूल। झूला ना तोड़ दियो था हमें, कड़े बैठी हो इतनी। ओ ना बे बेरो ना कोई ना कल न ले जागा तने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय शंकर भगवान। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो गाइस, कमेंट करके बताना कि भाई न्यू इंट्रो कैसा लगा। और भाई, हो चुकी है सुबह और मैं निकल गया हूँ बस स्टैंड के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नोएडा सेक्टर 62, क्योंकि वहाँ मेरा एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का। तो भाई, अब बस स्टैंड पर पहुँच के फिर पकड़ते हैं हरियाणा रोडवेज में सवार भाई, हरियाणा का जहाज हरियाणा रोडवेज। स्टेशन पे पहुंच गए हैं और भाई वेट है बुलेट ट्रेन का, हमारी आने वाली है, कभी भी आ सकती है। और फिर पहुंचेंगे ओरिजिनल लोकेशन, मतलब नोएडा 62। और एग्ज़ाम टाइमिंग तक तो पहुंच जाऊंगा मैं आराम से, अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। पहले वहां जाके देखते हैं, कुछ खाएंगे, फिर एग्ज़ाम में लग जाएंगे 3-4 घंटे तो इसलिए पहले खा के जाऊँगा अंदर और वहाँ देखते हैं फिर क्या है देखने की चीज़ें। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know. Finally destination पे आ गए हैं भाई, यहाँ है अपना एग्जाम 1 घंटे में। तो भाई वेट करते हैं कब होएगा टाइम, फिर चलते हैं अंदर और फिर देते हैं एग्ज़ाम, बताते हैं क्या रहा, कैसा रहा एग्ज़ाम। बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियों, बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ियों के बीच आ चुका है आपका भाई यतीश वेदी। स्टार्ट होने वाला है भाई और लाइन देख सकते हो आप, बिल्कुल रोड तक आई हुई है। और इनके सामने बिल्कुल खाना 50 रुपये की प्लेट है भाई, पनीर की, मखनी, दाल और जूस वगैरह अलग से। और भीड़ देखो आप कितनी हो रखी है, इनमें से 50% लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी तैयारी नहीं मिलेगी। ये बाइक भाई मैंने सोशल साइट से बुक की थी वो मॉल जाने के लिए, तो भाई देख लो गूगल मैप पर, ज़्यादा भरोसा करने का इंजाम, जंगल में घुसा दिया इसने भाई। अब आए भाई DLF मॉल, एग्ज़ाम ख़त्म हो, काफ़ी टाइम हो गया। सब बोलते हैं अच्छा एग्ज़ाम गया, अच्छा एग्ज़ाम गया, सब कहने के बाद मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है, अच्छा ही गया है, नॉर्मली गया है। तो अब भाई मॉल घूम ले भाई साहब, मतलब यार AC टाइम पास नहीं हो रहा किसी का। तो भाई मॉल आओ, AC की हवा खाओ, फिर जाओ जहाँ जाना है, जितने पसीने आए सारे सूख जाएंगे गर्मी में। देखो भाई साहब, बंदे नाच रहे हैं LCD में। हम कहाँ आ गए इस चकाचौंध भरी दुनिया में, कुत्ता भागता कुत्ता। मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई है, सब मेरे को आई लव यू कह रही हैं, चारों के चारों आई लव यू टू वेब्स। मिलते हैं अगले जन्म में। ओ मागू टुरुला, मेरे से तुम नीचे ही रहोगे, ऊपर मत आना क्योंकि मैं ऊपर जा चुका हूँ, तुम ऊपर आओगे तो मैं नीचे चले जाऊँगा। दैट्स माई लिफ्ट का टैलेंट। इतनी लाइट लगा दी, इतने बड़े बड़े लट्टू लगा दिए, बिजली का भी ताला बाप रहेगा है, खर्चा कर लाग रही इतना। वेलकम टू फन सिटी, नज़ारे भाई नज़ारे देख लो। झूला ना तोड़ दियो था हमें, कड़े बैठी हो इतनी। ओ मॉडल की बाइक्स ताजी ताजी निकली हैं, इनका झूला ना पूरा हो भाई। भाई यो भी बड़ा डरावना सीन है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं लेकिन वीडियोस देखे इसकी भी। और यो थोड़ा मारना कहते पार ताड़ूंगा सारे ने उड़ा मारना है, देगा थोड़ा इन्हें देख लो भाई, नकली गाड़ी हम बैठ कर भी ठीक पोथन लाग रही है। इन छोरी आगा भी कि मैं नहीं हो सकता स्नो वर्ल्ड। चलो देखते हैं क्या है इसमें क्या नहीं।
ये तो वो भाई, मतलब किसी को बर्फ़ का एहसास करना हो तो, शिमला मनाली जाने का ना हो तो यहाँ पे बर्फ़ का एहसास ऐसे कर सकते हो अपना टिकट विकेट लेके। ये सेफ्टी है, पढ़ लेना आप, इसके अंदर है, जैसा भी हो आप आके देख सकते हो। उतर गई थोड़ी, आ गया सांस में सांस, देख कुकर आस है, जब कलकी मारे थी क्यों बैठो थी ज़ॉम्बीज। राम राम भाई साहब। ये क्राउन भाई, जो जीत लेगा उसको ये लड़की पटा के देंगे, ऐसा इनका वादा नहीं है, मेरा वादा है। ये भी भाई फद्दू बनाने का सोता है, आंदाना होता कि मैं बड़का का फद्दू बनाए रहे हैं, यहाँ ले के जाओ कान है ना, क्यों पकड़ा जाता नहीं मैं। बचपन में भाई इनमें भी बहुत स्वाद लिए, जैसे अंकल अपने बच्चों को खिला रहे हैं ना, वैसे भाई पापा हमने भी खिलाए थे। भाई पवन, मैं, पापा खूब गाड़ी चला रहे थे, पहाड़ों का देता रही ना थंडरबोल्ट ने, उधर दिया माई खा भाई। अब आए फन सिटी से और टर्किश आइसक्रीम, और फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग के लिए बना दो भैया एक। यो हरियाणा है प्रधान, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। झुकेगा नहीं। Thank you, boy. Oh, I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. तो बहुत घूम लिए भाई मॉल में, और भाई आपको कुछ और पसंद आए ना आए, मतलब टर्किश उसमें स्टाइल में, लेकिन आइसक्रीम बहुत मस्त है यार। ये है भिवड़ी लोगों के स्थान, मतलब बाहर भाई एक नंबर आइसक्रीम है यार, मतलब एक तरफा आइसक्रीम है, मतलब एक बार खाए तो खाए, वो स्टाइल ऐसे 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 करते हैं ना वो, तो एक बार को मतलब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आइसक्रीम खाने में सच में बहुत अच्छी है भाई। इन बड्डे मोला में एक बात खास ज़रूर है, सारे बाथरूम भी इतने गजब के बना रखे, नुआ चंडीगढ़ में थे और नुआ नोएडा में, ग्रीनरी देखो ना बे बेरो ना, कोई ना कल ने ले जाएगा तेने। नोएडा 18 का फेमस लिट्टी चोखा, भाई ये परवीन भैया का वो फ्लैट नोएडा में। तो अब करते हैं भाई ब्लॉग को एंड, और अगर मजा आया तो भाई इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, नमस्कार, जय शंकर भगवान।